जितने भी फैंस है एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा सर के, सबको पता है आज इंडिया बिगेस्ट एक्शन सागा मार्टिन द मूवी का ऑफिशियल फर्स्ट ट्रेलर आने वाला है। और फिर अपने एक्शन प्रिंस ध्रुवा सर इंटरनेशनल प्रेस मीट के लिए मुंबई पहुंच गए भाई सब, जय श्री राम का नारा लेके। ट्रेलर काफी तगड़ा है, ड्यूरेशन काफी तगड़ा है, इसका रिलीज टाइम काफी तगड़ा है, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो गाइस वन बाय वन बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यार आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट तो आप बहुत सारे कर देते हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए यार, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस। पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, यहां पर मल्टीपल अपडेट है इसके फर्स्ट ट्रेलर के बारे में। आज से दो दिन पुरानी अगर मैं बात करूं तो एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा सर ने जो कहा है वो ये कहा है कि जो थिएटर में हमने वर्षा थिएटर में जो ट्रेलर प्ले किया है, जो कल जिस पर मैंने रिव्यू रिएक्शन दिए थे, वो ट्रेलर अलग है, और आज जो यूट्यूब पर आएगा वो ट्रेलर अलग है। यहां पर दो स्टेटमेंट देखने को मिले एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा सर की तरफ से कि एक ट्रेलर अलग रहेगा, एक ट्रेलर अलग रहेगा। लेकिन आप देखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मूवी की टीम सेम ट्रेलर लॉन्च करने वाली है क्या। भाई साहब जो कल मैंने वर्षा थिएटर का वो तबाही वाला ट्रेलर देखा, मल्टीपल बाइक्स, मल्टीपल ट्रक्स, मल्टीपल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट। और मैं आप लोगों को बताऊं ना भाई साहब, डायरेक्टर एपी अर्जुन सर को एनदर डायरेक्टर प्रशांत नील बोला जाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पावरफुल उन्होंने विजन बताया, डायरेक्शन बताया, एक्शन सीक्वेंस बताए हैं और सिनेमेटोग्राफिक बताया, रवि बसरू सर का म्यूजिक बताया, मतलब कि फाड़ के रख दिया। तो गाइज मैं आप लोगों को बताता चलूं, पहले बात कर लेते हैं अपन ड्यूरेशन के बारे में। तो गाइज जो कल वर्षा थिएटर में जो ट्रेलर प्ले किया गया था उसका जो ड्यूरेशन था, कितने प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ नॉइज, लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें गली में यार। हाँ तो गाइज उसका जो ऑफिशियल ड्यूरेशन था 2 मिनट 10 सेकंड के अराउंड का था, लेकिन एक ट्रेलर और सेंसर हुआ जिसका जो ऑफिशियल ड्यूरेशन है 2 मिनट 29 सेकंड का है, मतलब कि 2 मिनट 29 सेकंड का है। तो गाइस अब यहां पर मैं ये सोच रहा हूं क्या मूवी की टीम मोस्ट एक्शन वाला ट्रेलर लॉन्च करने वाले, या फिर जो कल उन्होंने रिवील किया था थिएटर में वो वाला रिवील करने वाले। देखिए भाई कोई भी रिवील करे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है मोस्टली और ध्रुवा सरजा सरजा सर के फैंस को भी पता है कि जो ट्रेलर आएगा आज इवनिंग में बहुत मजबूत आने वाला, काफी खूखार आने वाला, क्योंकि वहां पर एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा सरजा सर का जो लुक देखने को मिलेगा, जो डेडली फेस देखने को मिलेगा, स्पेशली लास्ट में एक उनका डायलॉग है, डोंट टीच योर फादर हाउ टू फक, इसी टाइप का कुछ डायलॉग वहां पर मैंने सुना था कल। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं ना, बहुत पावरफुल ट्रेलर है, बम बारूद, फायर सीक्वेंस, बाइक सीक्वेंस, हेलीकॉप्टर सीक्वेंस, तुर्की बुर्की, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आएगा और आपको काफी ज्यादा शॉक्ड करेगा। मतलब ये जो ट्रेलर है ना काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं अगर अपन बात करें रिलीज टाइम के बारे में, तो भाई साहब आज ये टोटल 12 लैंग्वेज में आने वाला, कितना 12 लैंग्वेज में, 12 लैंग्वेजेस में ये ट्रेलर आने वाला है। आज इवनिंग में 5:55 पे आने वाला, 5:55 इवनिंग में आने वाला, आप गाइस 6 बजे के अराउंड बोल सकते हैं। वहीं अगर अपन देखें तो सारे गामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएगा। देखो गाइस केवीएन प्रोडक्शन भी है और भी काफी सारे यूट्यूब चैनल पर अपने को ये मतलब कि ये ऑफिशियल फर्स्ट ट्रेलर देखने को मिलेगा मार्टिन द मूवी का। बाकी देखो भाई कोई भी ट्रेलर शेयर करो, सभी को पता है, जो भले एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा सर का फैंस हो या ना हो, लेकिन उसने मार्टिन का ऑफिशियल टीजर देखा है ना, तो उसे पता है कि आज इवनिंग में जो ट्रेलर आने वाला वो काफी ज्यादा खूखार, डेडली और भी काफी सारी चीजें होने वाली है, जो कि चुन चुन के अपने को ट्रेलर में देखने को मिलेगी। वैसे आप लोग बताएं मार्टिन द मूवी के फर्स्ट ट्रेलर के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा सर के बारे में, ये जो इवनिंग में ट्रेलर आने वाला उसके बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, और ये जो इंटरनेशनल प्रेस मीट होने वाला आज मुंबई में उसके बारे में क्या लगता है, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।